हेलो दोस्तों, मैं हूँ रॉबिन और आप देख रहे हैं दामाद। स्वीडन का एक शहर है मैलम। बीते शुक्रवार को वहाँ पे दंगे हुए। करीब 300 लोगों की एक भीड़ ने पुलिस पे पथराव किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दोनों को जलाया, बसों में आग लगाई, कारों में आग लगाई, यहाँ तक कि पुलिस पे भी पथराव किया। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ। वहाँ पर एक पार्टी है जो कि राइट विंग है, जिस पार्टी का नाम है हार्डलाइन, और उसके एक लीडर हैं, उस पार्टी के एक लीडर हैं रसनस पालगन। वो एक मीटिंग करने वाले थे कि किस तरीके से नॉमेडिक कंट्री में, जो यूरोप की कंट्रियाँ हैं, उसमें इस्लामाइजेशन हो रहा है, कि किस तरीके से यूरोप के अंदर इस्लाम फैलता जा रहा है। लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई, जिसके विरोध में उनके समर्थकों ने वहाँ पर कुरान को जला दिया, जो कि गलत है। किसी भी पवित्र ग्रंथ को जलाना एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, उसके लिए लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो उसके अपराधी हैं। लेकिन उन दंगाइयों ने, उस भीड़ ने कानून का सहारा नहीं लेकर कानून का अपने हाथ में ले लिया और पूरे के पूरे शहर को आपके हवाले कर दिया। अब यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों ने आग लगाई या दंगे किए, इनमें से कुछ लोग उस इलीगल इमिग्रेट्स में से शामिल थे, जिनके लिए स्वीडन बीते 2-3 साल पहले प्रोटेस्ट कर रहा था। आप लोगों को याद होगा, जब सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था, तो वहाँ के जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे वो सीरिया से पलायन कर रहे थे और वो अलग अलग देशों में जा रहे थे, तो बहुत सारे देशों ने उनको लेने से मना कर दिया। स्वीडन एक इकलौता देश था जिसने उनके लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और दुनिया से अपील की और वहाँ की गवर्नमेंट से अपील की स्वीडन की, कि भाई इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी यहाँ पे शरण मिल चाहिए, जिसके बाद शरण उन्हें दी गई, उन्हें शरण दी गई। अब शरण मिलने के बाद स्वीडन के अंदर कुछ महीनों बाद ही या कुछ सालों बाद ही क्राइम रेट लगातार बढ़ने लगा। वहाँ पे ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण होने लगा और 6 दिन पहले ही कुछ न्यूज़ चैनल्स ने या कुछ न्यूज़ पेपर्स ने ये खबर दी थी कि किस तरीके से वहाँ पर 6 लड़कियों का रेप हुआ है, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स ने किया है, यानी कि जो लोग सीरिया से आए थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्हीं में से किसी लोगों ने उन 6 ईसाई लड़कियों का रेप किया है, जिसके बाद लोगों ने उनका विरोध किया, मुस्लिम विरोधी टिप्पणियाँ हुई और उसके बाद पूरे शहर को एक आग लगा दी गई। अब इन सब में कॉमन बात एक है कि जैसे ही इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला जाता है, ये लोग सड़क पर उतर आते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाने लग जाते हैं, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बेंगलोर हो। दिल्ली हिंसा हुई थी, जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे तो कपिल मिश्रा को बकरा बनाया गया था। कपिल मिश्रा के स्पीच को किस तरीके से यूज करके ये कहा गया कि किस तरीके से जो कपिल मिश्रा है, उन्होंने दिल्ली के दंगों को इंसाइट किया। लेकिन बाद में पता लगा कि ताहिर हुसैन को पूरी फंडिंग मिली थी और उस फंडिंग के तार PFI से जुड़े थे, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान से फंड हो रही थी। बाद में भले ही हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये कह रहे थे, जावेद अख्तर जैसे लोग जो ये कह रहे थे कि ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया जा रहा है कि वो मुस्लिम है, लेकिन बात कुछ और थी। एनीवे, टॉपिक की बात करते हैं। तो वहाँ पे दंगे हुए। अब दंगों के बाद, जैसे कि आप लोगों ने बेंगलोर में देखा था कि कैसे एक ह्यूमन चेन ने आकर मंदिर को बचाया, उसी तरीके से स्वीडन के शहर में भी बाद में लीपापोती करने के लिए वहाँ पर भी बताया गया कि किस तरीके से एक ह्यूमन चेन ने लोगों को जलने से बचाया, लोगों को पिटने से, मरने से बचाया। अब सवाल यहाँ वही खड़ा हो जाता है जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि किस चेन ने किसको किससे बचाया, जब चारों तरफ सड़क पर शांतिप्रिय समुदाय था, तो आप किससे बचाने की बात कर रहे हैं? ये जो लीपापोती होती है, ये विक्टिम कार्ड खेलना, क्या पहले शहर को आग लगा दो, बाद में एक विक्टिम कार्ड खेलो कि हम ही विक्टिम हैं, ये कहाँ तक जस्टिफाई होता है? और जहाँ तक रही धर्म ग्रंथ के जलाने की बात, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस पर एक बात कहूँ, आप सबको नालंदा याद होगी, जो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जो दुनिया के टॉप बड़ी यूनिवर्सिटी में आज भी जिसका नाम आता है नालंदा, उसमें इंडिया के सनातन धर्म के वैदिक स्क्रिप्चर थे, लिटरेचर थे, जो कि बख्तियार, जो कि खिलजी था, उसको नहीं पसंद आए और उसने पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी।
अब नालंदा 3 महीने तक लगातार जलती रही, यानी कि उसके अंदर इतनी सारी लिटरेचर था कि वो नालंदा 3 महीने तक लगातार जलती रही। लेकिन उसके बाद किसी ने विरोध नहीं किया, किसी भी हिंदू ने जाकर किसी भी मुस्लिम के घर के आगे आग नहीं लगाई, उसका विरोध नहीं किया, बल्कि हमने हमारी सरकारों ने उल्टा उसके नाम पर गांव बसा दिए। आप बिहार में चला जाइए, आपको खिलजी गांव में बख्तियार गांव मिल जाएगा, बख्तियार मिल जाएगा आपको, स्टेशन के नाम उनके उनके नाम पर मिल जाएंगे। दूसरी तरफ जब आप इस्लाम के बारे में बोलते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, गलत है तो आप आवाज उठाइए, आपके पास कानून है, आपको ये हक किसने दिया कि आप जगह जगह जाकर दंगे करेंगे, घरों में आग लगा देंगे, पुलिस वालों पे पथराव करेंगे? लेकिन जैसे ही इनसे रिटेलिएट करो, इनसे जवाब मांगो, तो ये विक्टम पर कार्ड खेलने लग जाते हैं। स्वीडन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्वीडन के मेलबो शहर में जब 300 लोगों की भीड़ ने पूरे के पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया, पूरे के पूरे शहर को आग लगा दी, पुलिस पे पथराव किया, और वहाँ की गवर्नमेंट, मजे की बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने पुलिस को यह हदायत दी कि आप उन पे गोली नहीं चलाएंगे, मतलब कि दंगाई आपको मार डालें, लेकिन आप उन पे गोलियां नहीं चलाएंगे। आपको ये सब सिमिलर लग रहा होगा ना? कुछ ऐसा ही हाल भारत के अंदर भी होता है। जहाँ कहीं भी दंगे होते हैं, पुलिस को ऊपर से पहले ही निर्देश आ जाते हैं कि आप दंगाइयों पे गोलियां नहीं चलाएंगे। और यही हाल स्वीडन के मेलमो शहर का है कि किस तरीके से वहां पे दंगों को भड़काया गया। अगर आपकी पवित्र ग्रंथ को जलाया गया है, आपकी किताब को जलाया गया है, तो आपके पास राइट है, आप कानून के पास जा सकते हैं, लेकिन आपने कानून का सहारा न लेकर आपने शहर को जलाना उचित समझा, उस देश को जिसने आपको शरण दी, उस देश को जिसने आपके लिए आवाज उठाई, आपने उसी शहर को आग लगा दिया, वहां की लड़कियों का धर्मांतरण किया, वहां की नाबालिग लड़कियों का, वहां की लड़कियों का रेप किया, और जब आपके सवाल उठेंगे तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। यह है इस शांति प्रिय समुदाय की असलियत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास कोई नया टॉपिक है मेरे नए वीडियो के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूँगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।